आज हम जिस एक्टर के बारे में आपको बता रहे हैं, उनके पास ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और ना फिल्मों में काम करने वाले हीरो जैसी शक्ल। फिर भी ये साल 1988 से फिल्मी दुनिया में काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें पहचान मिली थी साल 2003 में। इस बेहतरीन अभिनेता का नाम था इरफान खान। बॉलीवुड में जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री को खान और कपूर जैसी कैटेगरी में बांटा जाता है, वहीं अगर बात करें इरफान खान की, तो उन्होंने तो एक समय पर अपने नाम से खान भी हटा दिया था। इरफान चाहते थे कि लोग उन्हें मजहब से नहीं बल्कि एक अच्छे कलाकार और एक अच्छे इंसान के तौर पर जाने। कई बार ऐसा हुआ करता था कि इरफान खान के पास फिल्में देखने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही एक बार जब जुरासिक पार्क फिल्म आई थी, तब इरफान साहब वो फिल्म देखना चाहते थे मगर इनके पास पैसे नहीं थे। तब इरफान के दोस्त उन्हें ये फिल्म दिखाने ले गए थे, लेकिन कुछ सालों बाद इरफान खान इसी फिल्म के सीक्वल जुरासिक वर्ल्ड में बतौर अभिनेता के तौर पर नजर आए थे। ऐसे ही फिल्मी किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल लखनऊ फिल्म क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।